साथ बात करने के लिए आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, क्या कुछ रणनीति है पार्टी? उत्तर प्रदेश के अंदर 10 विधानसभाओं पर उपचुनाव होने जा रहा है। आजाद समाज पार्टी नई पार्टी के रूप में पूरे देश के अंदर बहुत तेजी से उभरती हुई जा रही है। तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के चीफ और नगीना से लोकप्रिय सांसद एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के निर्देश पर हमारी पार्टी ने इन 10 सीटों को लड़ने का निर्णय किया है और हम पूरी दमदारी के साथ इन सीटों को लड़ रहे हैं। इसी में ये कुनरकी विधानसभा सीट है मुरादाबाद की, तो आज इस कुनरकी विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों ने पार्टी का एक मुख्य चुनाव कार्यालय खोला, उसका उद्घाटन किया और पार्टी के सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं की पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई, चुनाव को कैसे लड़ना है कैसे जीतना है इस संबंध में विशेष दिशा निर्देश दिए। बात करें अगर 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं तो कहाँ कहाँ अभी प्रत्याशी की घोषणा हो गई है, कहाँ की रह गई? अब ये गाजियाबाद सदर में एक सीट है, वहाँ हमारे चौधरी सतपाल सिंह पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं। ये मुजफ्फरनगर में मीरापुर विधानसभा है, वहाँ से जायद हुसैन हमारी पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं। ये मुरादाबाद में कुनरकी विधानसभा है, यहाँ से हमारे हाजी चांद बाबू चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे ये मिर्जापुर में मझवा सीट है, वहाँ से धीरेन्द्र मौर्य जी हमारे प्रत्याशी के रूप में वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। और अयोध्या में मीठीपुर विधानसभा है, वहाँ से हमारे रणधीर भारती कोरी समाज से हैं, वो हमारे चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक हम 5 प्रत्याशी अपने घोषित कर चुके हैं। प्रदेश में सबसे पहले भी प्रत्याशी आपने घोषित करे? हाँ, प्रदेश में जनता ही हमारे साथ आ गई है सबसे पहले, तो जो हमारे साथ आया है जिसने डिमांड की हमने उनको ओके कर दिया, उनको हो सकता है प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। बात करें मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा की, कुंदर की विधानसभा में वोट कटने का पूरा प्रकरण सामने आया जिसमें कई आरोप लगाए, प्रशासन ने जांच भी कर दी है, जांच के बाद प्रशासन ने भी रिपोर्ट सौंप दी है। प्रशासन का यह कहना है जो पूर्व विधायक है उनके परिवार के तमाम लोगों के वोट हैं और जो बाकी जो वोट हैं उनकी जाँच की जा रही है, तो क्या कुछ कहेंगे इस पूरे प्रकरण? देखिए, इलेक्शन कमीशन एक अलग संस्था है, इसमें इलेक्शन कमीशन क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठा है? ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इसमें एक्टिव हो, इसकी जांच कराए और जिनके वोट कट गए तुरंत वोट बनवाए और सरकार से जिन लोगों ने ये साजिश की है कर्मचारी अधिकारियों ने उनकी रिपोर्ट दे, उनके खिलाफ कार्रवाई कराने की मांग करें। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे, जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो जनता कैसे विश्वास करेगी? ये जो वोट डालने का अधिकार है ये हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रीढ़ की हड्डी है। अगर लोग अपने वोट डालने से ही वंचित हो जाएंगे तो फिर लोकतंत्र रहा कहाँ? फिर तो ये जो राजाओं का पहले समय होता था, राजा का बेटा राजा बनता था ताकत के बल पे, तो फिर तो वही हो जाएगा, तो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। तो मैं तो आपके माध्यम से सरकार से भी कहना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस लोकतंत्र की रक्षा करें और प्रत्येक नागरिक को अपना वोट देने का अधिकार दें, किसी को भी वंचित ना होना पड़े। आजाद समाज पार्टी क्या यूपी में किसी से गठबंधन करेगी? गठबंधन हमने 6,743 जातियों से कर लिया है, जिनको अनुसूचित जाति के नाम पर अलग किया गया, जिनको आदिवासी के नाम पर अलग किया गया, जिनको अन्य पिछड़े वर्ग के नाम पर अलग किया गया, जिनको मुस्लिम के नाम पर अलग किया गया, जिनको सिख के बना के अलग किया गया, जिनको बुद्धिस्ट बना के अलग किया गया, जिनको जैन बना के अलग किया गया, उन सारे अलग किए गए लोगों में हमने गठबंधन करके तमाम जातियों बटे हुए लोगों को बहुजन समाज बना के हमने भाईचारा बना दिया, गठबंधन कर लिया। यही हमारा गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव मैदान में लड़ रहा है। हम इसी गठबंधन के सहारे ये नगीना लोकसभा जीत के आए हैं और हमें विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ता, हमारी जनता भाई चंद्रशेखर जी के संघर्ष से प्रभावित है। भाई चंद्रशेखर जी आम जनता की तकलीफों को उठाते हैं, सड़क पर भी और संसद में भी। आज पूरे देश के अंदर भाई चंद्रशेखर जी के मुकाबले दूसरी किसी पार्टी का कोई नेता नहीं है जो आम जनता की तकलीफों को उठाता हो, तो हमको भरोसा है जनता पर, इसलिए हमें किसी अन्य पार्टी से गठबंधन की आवश्यकता नहीं। आजाद समाज पार्टी यूपी में कितनी सीटें जीत रही है? आजाद समाज पार्टी 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रही है, तो 200 प्रत्याशी हमारे जीतने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ संदेश? संदेश यही दे रहे हैं कि जो जुर्म जाति है, अन्य अत्याचार है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, मस्जिदें ढाई जा रही हैं, कोठियां ढाई जा रही हैं और युवकों को एनकाउंटर के नाम पे मारा जा रहा है, बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है, पर्चा लीक हो रहे हैं, थाने से न्याय नहीं मिल रहा है, दफ्तरों से काम नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तो तमाम समस्याओं से बचना है तो आजाद समाज पार्टी को वोट करें
आजाद समाज पार्टी के विधायकों को जताए, आजाद समाज पार्टी आम जनता के साथ खड़ी रहेगी और किसी प्रकार की जो परेशानी उसको दूर करेगी। मेरे साथ बात करने के लिए आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ जी थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद।